हेलो गाइस, मैं हूँ संगीता और आप देख रहे हैं मुझे संगीता सिंह मान यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए संदूक का कवर और ये बहुत ही ज़्यादा इजी है बनाने में। आप देखिए इसको मैंने कैसे बनाया है। तो इसके लिए मैंने ले ली है एक साड़ी और इसकी मैचिंग का मैंने एक कपड़ा ले लिया है। ये सवा दो मीटर का कपड़ा है और लगभग मुझे 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए। तो इसके लिए मैंने इसी रंग का एक और कपड़ा यूज़ किया बाद में, क्योंकि मुझे दोनों ही संदूक का कवर बनाना था। और इसके लिए मैंने पहले अपनी संदूक को नाप लिया, क्योंकि मुझे तो इसका पता था मैं इसके जो पहले कवर थे उनसे बना सकती थी, लेकिन क्योंकि मुझे अपनी वीडियो बनानी थी इसके लिए मैंने इसको नाप लिया। और ये 40 इंच है, दोनों साइडों को मैंने 6-6 इंच ज़्यादा कपड़ा मैंने लिया है, क्योंकि मैं इसको दूसरे तरीके से बनाऊंगी। जैसे मेरे कवर आप देख रहे हैं बने हुए पुराने, इस तरीके से मैं नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। तो मैंने इस तरीके से बनाया है, इधर से 40 है और इधर से लंबाई में है, ये आप देख सकते हैं लंबाई में ये 60 इंच है। मतलब ये मेरा जो इंच टेप है ये पूरा ही मैंने नाप लिया है। दोनों साइडों को अगर 6-6 इंच में ज़्यादा लगाती हूँ तो ये पूरा ही हो जाता है। और फिर मैंने इसकी ऊंचाई नाप ली, तो इसकी ऊंचाई मैंने जब नापी तो उसको मैं 6 इंच कम, इसका जो मुझे घेर रखना है उसको मैं 6 इंच रखूँगी, 6 इंच मतलब कम रखूँगी। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए अगर आप ऐसा इस तरीके से बनाना। तो हमने कपड़े को इस तरीके से फैला लिया है और फिर इसको नाप लेंगे। जिस जैसे जैसे संदूक की नाप हमने ली थी वैसे ही हम इसको नाप लेंगे। और क्योंकि गाइस इसका अर्ज थोड़ा कम है कपड़े का, इसलिए मैंने इसमें मुझे थोड़ा जोड़ लगाना पड़ा। जो कपड़ा साइड से बच गया था लंबाई से काटने के बाद, उसको मैंने इतने ही इंच नाप के इतनी ही चौड़ी चौड़ी मैंने पट्टियाँ उसमें उतार ली, क्योंकि उसमें मुझे 3 पट्टियाँ उतारनी पड़ी। और मैं आपको अभी दिखाऊंगी किस तरीके से, पहले मैं इसको काट लेती हूँ। इसको काटने के बाद जो ये कपड़ा बचा है इसकी लंबाई कम रह गई है, और लंबाई कम रहने की वजह से मुझे इसमें ये इतनी बड़ी बड़ी 3 पट्टियाँ मुझे उतारनी पड़ेंगी, तभी ये उसके बराबर हो पाएगा। जितनी मतलब चौड़ाई है संदूक की उतना ही ये हो पाएगा। ये पूरा पड़ रहा था, लेकिन क्योंकि मुझे साइड में 6-6 इंच नीचे के साइड में करके इसकी फिटिंग लगानी है, इसके लिए मुझे जोड़ लगाना पड़ रहा है। अगर मैं पहले वाले जो मेरे कवर हैं उनके जैसा ही अगर मैं बनाती तो ये कपड़ा मेरा पूरा पड़ जाता, लेकिन मुझे थोड़ा चेंज चाहिए था क्योंकि वो सिकुड़ जाते हैं, उनके ऊपर अगर कोई सामान रख दो तो वो सिकुड़ जाते हैं, लटक जाते हैं इधर उधर, फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं अगर नहीं भी ध्यान करो तो। और अगर जो मैं कवर बना रही हूँ उससे इसकी फिटिंग ख़राब नहीं होगी, इसकी सेटिंग ख़राब नहीं होगी। गाइस आप देख सकते हैं मैंने जोड़ लगा लिया है इस तरीके से पट्टियाँ इसमें जोड़ के, और फिर ये बिल्कुल इसके मेज़रमेंट के हिसाब से बिल्कुल ठीक हो गई हैं। मैंने इनको नाप के अच्छे से चेक कर लिया, बिल्कुल फिट है। और उसके बाद मैंने इसको संदूक पे बिछा लिया, उल्टी साइड से बिछाया था। गाइस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, उल्टी साइड से बिछाने के बाद मैंने एक चौक से इसमें निशान लगा लिए, क्योंकि मुझे कोनों पे फिटिंग देनी थी, और फिटिंग देने के लिए मुझे इसके कोने निकालने थे और बिल्कुल साइज का ही मुझे फिटिंग लगानी है। तो इस तरीके से निशान मैंने बना लिए और उस पर ही मैंने मशीन चला दी। उसके बाद मशीन चलाने के बाद मैंने इसको इसके ऊपर फिर से बिछाया, और बिछाने के बाद मैंने जहाँ पर सिलाई थी उससे थोड़ा छोड़कर मैंने कैंची से उसके जो फालतू जो कपड़ा था वो मैंने काट कर निकाल दिया। अब मुझे लगानी थी फ्रिल, तो मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने साड़ी का पहले मैंने पल्लू निकाल दिया है। पल्लू का मैं छोटी संदूक का कवर बनाने में यूज़ करूँगी, और इसके लिए मैंने बड़ी संदूक के लिए मैंने ये जो साड़ी है मेरी इसको लंबाई में मैंने बराबर करके मोड़ के 2 भागों में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है।
गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और हो सके तो शेयर भी करना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मैं नई यूट्यूबर हूँ और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और आपके सपोर्ट के बिना तो कोई भी यूट्यूबर कुछ नहीं कर सकता। सब्सक्राइब अगर हमारे सब्सक्राइबर ही नहीं होंगे और हमें देखने वाले ही नहीं होंगे तो हमारा वीडियो बनाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है गाइस। इसलिए बार बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। तो उसके बाद गाइस मैंने क्या किया, इसको साड़ी को मैंने दो टुकड़ों में डिवाइड कर लिया। उसके बाद मैंने जो मेरा ऊपर का टॉप फ्लोर का जो मैंने कपड़ा लिया है उसके नीचे के साइड में मैंने ये फ्रिल लगा ली उल्टी साइड से। नीचे कपड़ा रखा, ऊपर साड़ी का कपड़ा रखे, और हाथ से ही मैं उसको सिकोड़ सिकोड़ के छोटे छोटे चुन्नट बनाती गई। और हाँ गाइस, मैंने ना साइडों में और सामने की साइड में ही मैंने चुन्नट बनाए हैं, पीछे की साइड मैंने बिल्कुल भी चुन्नट नहीं बनाए हैं, बिल्कुल प्लेन बनाया है, क्योंकि पीछे की साइड में कुछ दिखाई नहीं देता है। दीवार की साइड में ही मेरी संदूकें रखी हुई हैं, आप चाहे तो चारों तरफ भी बना सकते हैं, और आप चाहे तो अगर आपको चुन्नट नहीं बनाने तो नहीं भी बना सकते, लेकिन चुन्नट डालने से ना इसका लुक बहुत अच्छा आता है। और आप देख सकते हैं ये तैयार हो गया है, पीछे की साइड मैंने कोई चुन्नट नहीं बनाया है, ये सामने की साइड है, और जो साड़ी में थोड़ी बहुत कढ़ाई वगैरह थी वो भी सामने ही मैंने ले ली है। और अब मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ ये कैसा लग रहा है। गाइस, एक सजेशन देना चाहूँगी, अगर आप इस तरीके से कवर बना रहे हैं और आपके पास भी कोई साड़ी वगैरह है, तो अगर आप टॉप फ्लोर पे जो भी कपड़ा लगाएंगे तो आप उसको चेक करके लगाना कि मतलब दूसरे कपड़े से कंपेयर करके लगाना कि उसकी मैचिंग अच्छे से आए, वो मतलब उसकी जो चेकिंग है लुक है वो अच्छा आए। आप देख सकते हैं गाइस ये कितना प्यारा लग रहा है, और मेरे पुराने वाले कवर थोड़े गंदे से हो गए थे, वो अच्छे नहीं लग रहे थे, पुराने पड़ गए हैं, इसलिए मैंने नया कवर बनाया है। और मुझे वीडियो में भी दिखाना था कि संदूक का कवर कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल उसी प्रोसीजर से गाइस मैंने छोटी संदूक का कवर भी बना लिया है, जो कि मैंने वीडियो में नहीं दिखाया क्योंकि सेम ऐसे ही बनाया है, और इसमें भी मैंने ऊपर फिटिंग लगाई है। और हाँ, ये जो पल्लू था ना, पल्लू मैंने ऊपर ले लिया है, और जो नीचे वाली संदूक के जो टॉप फ्लोर का जो कपड़ा है वो मैंने इसके पल्लू के नीचे डबल कर दिया है, क्योंकि ऊपर का ये तो बारीक कपड़ा है साड़ी का, और इसको मजबूत भी बनाना है और मोटा भी करना है, तो मैंने इसके नीचे अस्तर का काम किया उससे। और आप देख सकते हैं पीछे की साइड में मैंने बिल्कुल भी चुन्नट नहीं डाले हैं, बड़े वाले कवर में भी नहीं डाले हैं और छोटे वाले में भी नहीं डाले हैं, क्योंकि पीछे की साइड से कुछ दिखाई नहीं देता, सामने की साइड से ही लुक इसका अच्छा आ रहा है। देखते हैं जैसे, और आप देख सकते हैं ये कैसा लग रहा है गाइस। अगर आपको मेरा ये संदूक का कवर थोड़ा सा भी अगर आपको पसंद आया हो तो गाइस प्लीज़ लाइक करना, कंजूसी बिल्कुल मत करना, और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और मैं बस इसी तरीके से आपके लिए एक से एक अच्छी वीडियो लेके आती रहूँगी। गाइस, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी एक इमेज बना सकूँ, अपनी एक जगह बना सकूँ यूट्यूब चैनल पे, और वो तो आप ही लोग बताएंगे कि मतलब कैसी आपको मेरी वीडियो लग रही है। और मुझे तो अपने ये कवर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, पहले वाले जो कवर थे मेरे उनसे भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और देखिए मेरी साड़ी भी कामयाब हो गई है, जो कि मैंने बिल्कुल पहनी बंद कर दी थी, और आप लोग काफ़ी समझदार हैं, आप लोग खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने क्या काम कैसे किया है, और मुझे इसके बदले में मतलब लाइक मिलना चाहिए कि अनलाइक मिलना चाहिए। और आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मेरी अगली वीडियो नोटिफिकेशन से मिल जाएगी, लेकिन नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल को प्रेस करना होगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा गाइस। और मैं इसी तरह की वीडियो बना रही हूँ अभी तो, जैसे सोफ़ा कवर है, संदूक का कवर है, फ्रिज का कवर है, और आप लोगों को वो भी काफ़ी पसंद आ रही हैं।
और इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और गाइस इस तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।